आप सब लोग? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप सोच होंगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हूँ। सो आई रियली वांट टू टेल यू कि आज मैंने खरीदा है साउंड बार T550 और मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। एंड गाइज, जब मैंने इसको सुना था स्पीकर्स को, तो ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर्स हैं, साउंड बार बहुत सही है। तो अब जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके फीचर्स जानते हैं। ये है साउंड बार T550 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनलिमिटेड फीचर से भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप HDMI देख रहे होंगे, उसके बाद आप 325 टोटल RMS की वॉल्यूम सुन सकते हो, DTS 2 चैनल के लिए जो टीवी के लिए होता है, DTS वर्चुअल है इसमें, Dolby ऑडियो है इसमें, ब्लूटूथ भी आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद इसमें 3D साउंड सिस्टम है, पावरफुल ब्लेस है, 1 रिमोट कंट्रोल भी इसमें आपको दिया गया है, स्मार्ट साउंड मोड भी है और गेम मोड भी है। तो ये इसमें सारी ही फीचर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो आइए, चलिए अब हम इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम इसका ओपन कर रहे हैं बूफर, और मेरा भाई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज इसको ओपन करने में। सो दिस इज द बूफर। सो ये गाइस इसका बूफर है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि और एसेसरीज तो नहीं है। तो नहीं, ये इसके साथ जितनी भी एसेसरी हैं वो ये हैं। तो हम इसको बाद में ओपन करेंगे, सबसे पहले हम स्पीकर्स देख लेते हैं। सो जो साउंड बार है वो इसके अंदर है, तो अभी हम इसको ओपन करेंगे साउंड बार को। सो फाइनली गाइस, साउंड बार इज कमिंग आउटसाइड। सो ये है, एंड ये देख सकते हो आप। और इसमें इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम का और ये पावर का भी पॉइंट दिया हुआ है। तो ये है सैमसंग का साउंड बार। सो गाइज, यहाँ पे देखते हैं कि इस एसेसरी के अंदर क्या क्या है। सो ये मैनुअल आपको मिलेगी, और इसके बाद आपको ये दो लीड्स मिलेंगी, ये कनेक्टर्स हैं जो कि साउंड बार में कनेक्ट होते हैं। ये आपका ये अडाप्टर है, और लीड जो है ये HDMI वायर है, ये HDMI वायर है, और ये हुक्स हैं। एंड दिस इज द रिमोट, आप यहाँ देख सकते हो ये साउंड मोड है, वॉल्यूम है, ये बूफर के लिए है, और ये पावर का बटन, एंड देन ये फॉरवर्ड करने के लिए सॉन्ग। सो रिमोट भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया एडवांस क्वालिटी का है। सो अब हम देखते हैं कि ये चलेगा कैसे। सो बूफर के पीछे भी आपको यहाँ पे स्लॉट्स मिलेंगे, ये स्लॉट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और अब फाइनली हम देखेंगे कि ये कैसे चलेगा और इसकी वॉल्यूम कैसी है। तो ये होगी अनबॉक्सिंग, और एक लीड लगती है इसके बैक साइड पे जो कि ये है, और दूसरा जो है ये वाली जो लीड है ये इसके बैक साइड पे है। ये दोनों जो लीड्स दी हुई है वायर, वो जब आप अटैच कर दोगे तो उसके बाद आप यहाँ से पावर बटन को ऑन करोगे और ये आपका जो है ऑन हो गया स्पीकर। तो अब हम इसकी वॉल्यूम टेस्ट करेंगे। It's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. I moved to the city in a broke-down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. Beyond that,
सो गाइज इसमें ये दो स्टैंड हैं, आप इसको जो है वो वॉल में भी हैंग कर सकते हैं और ये टीवी के साथ भी अटैच हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने वैसे नहीं करना है तो आप इसको ब्लूटूथ और इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। आपने अनबॉक्सिंग करके इसकी वॉल्यूम भी सुन ली है। सो अब आपको ये अनबॉक्सिंग के रिव्यूज़ कैसे लगे सो आप भी बताइए और ज़रूर खरीदिए सैमसंग T550।